पूर्वा हवाओं से बड़ी गलन व ठंड को देखते हुए शहर के विभिन्न चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। इस दौरान कलेक्टर परिसर, नगर निगम, शास्त्री चौक, दाऊदपुर चौराहा, कचहरी गेट तथा अन्य चौराहों पर नागरिक अलाव की आग से ठंड से बचते हुए नजर आए। जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया कि जिले में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है और आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि ठंडक को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा जिन लोगों के पास कंबल नहीं है उन लोगों में कंबल का वितरण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने कहा, गौतम गुप्ता, जिला आपदा विशेषज्ञ, गोरखपुर। देखिए, अभी जैसे कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार मौसम में गिरावट आ रही है और अभी जो रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं IMD से और अन्य स्थलों से, तो उस हिसाब से अभी मौसम अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह रहने की संभावना है और अभी तो ठंडक में थोड़ा बढ़ोतरी होगी, इसी तरह मौसम बना रहेगा अगले 3-4 दिनों तक। सर, कितना दिन तक अभी अनुमान? देखिए, अभी तो रिपोर्ट है वो तकरीबन 21-22 तारीख तक का जो हम लोगों ने देखा है वो अब तक तो यही रिपोर्ट दिख रही है। उसके आगे जैसा इन्फॉर्मेशन अभी ऊपर से प्राप्त होगा उसके आधार पे ही चीज़ें की जाएंगी और ठंडक को ध्यान में रखते हुए हर जगहों पे अलाव की व्यवस्था कराए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है और संबंधित विभाग अलाव की व्यवस्था कर भी रहे हैं और कंबल वितरण भी जहाँ जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर कराया जा रहा है।